नमस्कार, मैं हूं शिखा सरा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा कि हमने आपको रेगुलर बताया है कि एमके सिन्हा जो कपिल देव के प्रिंसिपल है, उनको उन पर जो आरोप लगा था, नर्स ने आरोप लगाया था कि वो मुझे कमरे में बुलाते थे, बीपी चेक करने के बहाने मुझे अश्लील तरीके से छूते थे, इसके साथ ही वो पिछले 2.5 साल से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और जैसे ही खबरें बाहर आई, एमके सिन्हा कपिल देव के जो प्रिंसिपल है, रातों रात रांची छोड़ के चले जाते हैं। साथ ही रातों रात वो पूरा का पूरा रांची शहर ही अपने पूरा बोरिया बिस्तर के साथ खाली कर देते हैं। लेकिन अरगोड़ा थाना में चूंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज है, तो अरगोड़ा थाना पुलिस वाले भी उनको पकड़ने को कोई छोड़ते नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी अब जो लेटेस्ट खबर वो हमारे पास आ रहा है कि टेल्को कॉलोनी, जी हाँ, जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपने रिश्तेदार के दोस्त के घर में असल में छुपे हुए थे, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कहानी में तो वैसे हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। कई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़कियां की भी गलती है, 2.5 साल से वो प्रिंसिपल के साथ थी और जब मन भर गया तो वो प्रिंसिपल पे गलत आरोप लगा रही है। हम मीडिया है, हमारा हम जज नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, ये जज करना आपका काम है, जनता का काम है। लेकिन ये भी बात सच है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर लड़की की गलती होती है, उसका जो पक्ष होता है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक स्कूल में और एक प्रिंसिपल पे इस तरह के घिनौना अपराध एक आरोप लगे, एक बहुत ही घिनौना अपराध है ऐसा माना जाता है। नर्स ने कहा है कि प्रिंसिपल जो है बार बार उन्हें फ़ोन करते थे, कहते किस जोना, गलत तरह की अश्लील बातें करते थे, वीडियोज़ दिखाते थे। ये बहुत ही संगीन मामला है। हमें घर में पहुँचे हैं DV, जो कि DV कपिल देव के समीप में है, बगल में है, और पेरेंट्स से जानेंगे, उनके बच्चे चूँकि DV कपिल देव पढ़ते हैं तो उनके बच्चे से जाने, उन बच्चे और साथ ही उनकी माँ से भी जानेंगे कि उनका क्या राय है। जहां स्कूल विद्या का मंदिर कहा जाता है और वही स्कूल में ऐसा घिनौना अपराध लगेगा, तो आखिर माँ बाप का भरोसा कैसे रहेगा स्कूल पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक प्रिंसिपल पे इतना घिनौना अपराध, ये बहुत घिनौना है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते होंगे तो आप निश्चिंत हो जाते होंगे कि मेरा बच्चा सेफ है, लेकिन जब ऐसे वारदात निकल के सामने, आपके बच्चे भी एक समय में DAV कपिल देव पढ़ चुके, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी गार्जियन अब बच्चे को स्कूल भेज के एकदम निश्चिंत हो जाता है। वो सोचते हैं अच्छा इतने से इतना टाइम बच्चे आएंगे, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, घर से बाहर निकलने का हिम्मत जुटाते हैं। अरे स्कूल ही में ऐसे जब होगा तो आदमी स्कूल भेज के तो दिन भर चिंता लगा रहेगा कि अगर मान लो आज प्रिंसिपल किया, कल जाके कोई सर करेंगे, हम लोग किसके किसके पीछे लगल रहेंगे। क्या समाज में कोई इज्जत नहीं है स्त्री का? बस स्त्री मतलब इसी आपके हिसाब से प्रिंसिपल के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रिंसिपल के साथ यही सलूक होना चाहिए कि प्रिंसिपल को जनता के भीड़ में छोड़ दिया जाए, जनता उसका सफाया करेगी। ऐसे ऐसे इंसान के लिए कानून नहीं है, कानून तो बचावा कर रही है, सिर्फ जनता हम लोग के बीच में छोड़ दिया जाए, हम लोग अपना समझेंगे कि क्या उसको सजा देना है। यानी कानून पे भी भरोसा उठ नहीं, कानून पे भरोसा उठ चुका है। कानून वो तो 3-4 दिन चाहे 6 महीना 2 महीना में तो घर वापस आ जाएगा, तो हम लोग फिर कैसे करेंगे, क्या लड़ाई करेंगे? हम लोग को जनता के बीच में छोड़ दिया जाए प्रिंसिपल को। एक बात बताइए, अभी पूजा सिंघल मामला में भी पूजा सिंघल को अपर डिवीजन सेल में रखा गया है, वो मतलब VIP कहते हैं अपर डिवीजन सेल, वहां पे उसको TV और फैसिलिटी मिलता है। एक तो वो जनता कितना पैसा मारी है, ऊपर से उसको VIP फैसिलिटी मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि इसमें नेता का सारी नेता का मिली भगत है, जनता का पैसा चूस चूस के सब पूजा सिंघल जैसा आदमी को नेता ही लोग खड़े करते हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। और VIP ट्रीटमेंट मिलना सही है? नहीं, एकदम नहीं सही है। जो जैसा हम लोग जैसे इंसान, आम इंसान जाके जेल में होता है तो उसको क्यों नहीं VIP ट्रीटमेंट मिलता है? पूजा सिंघल जैसा अपराधी को क्यों मिलता है? जी, आप उनकी बेटी लग रही है, आप इधर आइए। देखिए, अभी DAV कपिल देव में 4-5 साल पढ़ चुकी है और आप प्रिंसिपल को जानती भी है, अब उस प्रिंसिपल पर इतना घिनौना अपराध लगा है, क्या कहेंगे इस पर? मतलब एक तरफ वो एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए, सबको इक्वल राइट देना चाहिए, सबको इक्वल इज्जत देना चाहिए, एक तरफ वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब हम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हम तो यही पढ़ रहे हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और हमें बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि देखिए सुरक्षा महसूस होगा स्कूल जाने से? नहीं, अब लग रहा है कि अब कोई भी किसी भी तरीके से हमें देख सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है कभी भी। अब प्रिंसिपल ही ऐसा है तो अब हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऐसा है तो सारे तो ऐसे ही रहेंगे ना। जी, जैसा आपने सुना, गर्जियन ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे प्रिंसिपल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कानून से भरोसा उठ चुका है, अब ऐसे प्रिंसिपल को जनता के सामने लाए, जनता डिसाइड करेगी कि ऐसे प्रिंसिपल के साथ क्या करना है। वैसे जनता, पेरेंट्स का काम है कहना, वो ठीक है, लेकिन
और कानून को चाहिए जल्द से जल्द फैसला सुनाए, ये केस को ज्यादा लंबा टाले नहीं, क्योंकि जब तक जल्द से जल्द सजा नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़की की भी गलती हो, तो उस पर भी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये भी बात सच है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जो भी है उसे जल्दी सुलटाना चाहिए, मामला को जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि जिसको भी सजा मिलेगी इससे गार्जियन पे जो भरोसा उठ चुका है वो फिर से भरोसा रीस्टोर होगा, भरोसा फिर से भरोसा जागेगा और बच्चे बेहिचक गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे, क्योंकि शिक्षा जो है वो आज का बहुत बेस है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं हो सकता। ऐसे तमाम खबरें अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।